अगर आर्यभट्ट ने इस धरा पे बावन धरा पे जन्म लिया है तो यहीं पर जन्म लिया है रत्नेश शाक्य जी हैं, जिन्होंने शून्य के विभाजिता की खोज की है। वो कई जगहों पर इनका सम्मान किया गया है और इनको एक ऐसा कॉपीराइट भारत सरकार द्वारा दिया गया है जिसका मान्यता पूरे भारतवर्ष में ही नहीं 147 से अधिक देशों में इनकी मान्यता है और इनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं और आज प्रतापगढ़ की धरा पर राष्ट्रीय धरोहर सम्मान भी मिला है इसी क्षेत्र में। तो मैनपुरी से चलकर आप प्रतापगढ़ की धरा पर आए हैं तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल प्राइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो आज सर ने भी जो खोज की है इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर कौन सा खोज किया है और क्या जो गणित जो सबसे युवाओं को कठिन सब्जेक्ट लगता है आज के समय में वो ये कितनी सरलता से आपको बताएंगे, जरा सुनिएगा। सर मैंने अभी तक गणित में विभाजिता का महासूत्र तथा दशक नियम, विभाजिता का तीव्रतम महासूत्र तथा प्लस माइनस संख्या बटे शून्य के मान पर भारत सरकार ने मुझे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है जो कि विश्व के 177 देशों में मान्य है। विभाजिता के महासूत्र की सहायता से हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजिता के नियम कुछ ही पलों बना सकते हैं। अभी तक आप देखें कि प्रत्येक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजिता के नियम अलग अलग हैं, क्योंकि संख्याएं असंख्य हैं इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए विभाजिता के नियम भी असंख्य हैं, जिन्हें याद रखना, याद करना, समझना, समझाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया महसूस होता है। जबकि विभाजिता के महासूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजिता के नियम कुछ ही पलों में बना सकते हैं। अब पुराने जो परंपरागत नियम हैं उन्हें याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो और विभाजिता के महासूत्र की सहायता से ही सभी पूर्ण संख्याओं को 10 संख्या परिवारों में भी बांट दिया गया है। दूसरा एक है विभाजिता का तीव्रतम महासूत्र, तो इसकी सहायता से क्या है कि विभाजिता के नियम तुरंत बनाए जा सकते हैं और इससे कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी कर दिया गया है। बहुत ही कम समय में आप गणना करके व्यवस्था के नियम बना सकते हैं। छात्रों को क्या फ़ायदा मिलेगा, जो मैथ जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है उससे छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? सर जो विभाजिता का महासूत्र है या विभाजिता का तीव्रतम महासूत्र है तो इसकी विशेषता है कि इसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के नियम बना सकते हैं और कुछ ही पलों में बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी विशेषता से स्पष्ट है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सूत्र रामबाण की तरह कार्य करेगा। क्योंकि देखिए कि प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रतियोगी छात्र होते हैं उन्हें समय प्रबंधन की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब अगर इस तरह के विभाजिता के महासूत्र जैसे अगर महासूत्र बना दिए जाएँ तो कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही कम समय में स्टूडेंट कैलकुलेट कर पाएंगे तो उनके पास पर्याप्त समय बचेगा। तो इस महासूत्र को गणित की किताब में लागू किया जाएगा कि आप कैसे पूरे भारतवर्ष में ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर किताबों के माध्यम से जाएगा तो आपका थोड़ा सा जो महासूत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में व्याप्त होगा। सर मेरा ये विभाजिता का महासूत्र है पांचजन्य एक राष्ट्रीय पत्रिका है, उसमें राष्ट्रीय गणित दिवस के विशेष अवसर पर प्रकाशित हुआ है। सामान्य ज्ञान दर्पण को सभी लोग जानते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण को जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सभी जानते हैं, तो इनमें मेरा ये विस्तार सहित उदाहरण सहित ये प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा भी पंचशील कुशवा संदेश पत्रिका है, दमदेश पत्रिका है, तो उसमें ये प्रकाशित हो चुका है। कुछ एजुकेशनल वेबसाइट हैं तो उसमें भी ये मेरा सूत्र प्रकाशित हो चुका है। इसीलिए कई संस्थाएं हैं मुझे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कर चुकी हैं, आए दिन मेरी न्यूज है अखबार में निकलती रहती है और मैं अपने ये सूत्रों का प्रदर्शन कई उत्तर प्रदेश की 100 से ज़्यादा संस्थाओं में कर चुका हूँ। सीमेट इलाहाबाद में भी अपने सूत्र का प्रदर्शन कर चुका हूँ और मुझे कई संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी कर चुकी हैं। सर चलिए, अगर ये गणित का नियम गणित की किताबों में लागू हो और इसका जो फार्मूला है उसको ईजाद करके शिक्षकों तक पहुंचाया जाए तो शायद एक आर्यभट्ट हमारे बीच में और हो। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी, जय हिंद जय भारत।